मंगलवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में 320 रेलवे स्वास्थ्य केंद्र में 140 व्यक्तियों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु वैक्सीन दिया गया। वैक्सीनेशन से पूर्व सभी के डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया गया, तत्पश्चात वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन उपरांत सभी लाभार्थी को प्रतिकूल प्रभाव के परीक्षण हेतु आधे घंटे तक वेट कराया गया। हालांकि किसी में प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया, फिर सब अपने अपने घर गए। इस दौरान सभी को वैक्सीन के प्रभाव, परहेज आदि संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। वहीं प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक दिया गया। वहीं असैनिक शल्य चिकित्सक से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर के निर्देशानुसार स्पेशल ड्राइव के तहत एंटीजन किट द्वारा कोविड-19 जांच विनय कुमार, महमूद आलम, वरुण पंडित, अजय दास, विनोद दास, राजीव रंजन द्वारा किया गया, जिसमें 40 व्यक्तियों का एंटीजन किट और 25 व्यक्तियों का ट्रूनेट जांच किया गया, जबकि 74 व्यक्तियों का आरटीपीसीआर जांच हेतु सैंपल लिया गया।